गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक। इस वीडियो में देखा जाए आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए। दोनों ही वॉचेस 4,000-4,500 के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है। डिफरेंस सिर्फ 500 रुपए का है। सबसे बड़ा डिफरेंस इनके बीच डिजाइन का है। यहाँ पे आपको स्क्वायर रेक्टेंगल शेप वाला डिजाइन, यहाँ पे वो राउंड डायल डिजाइन, यहाँ पे बड़ा डिजाइन, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा डिजाइन। एंड बिल्ड क्वालिटीज में भी भाई काफी फर्क है। नॉइस में आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील, उसी जगह यहाँ पे नॉर्मल मेटल मिल जाता है। ऑफकोर्स ये भी बहुत ड्यूरेबल है अल्ट्रॉन, बट स्टेनलेस स्टील इज नेक्स्ट लेवल। एंड जिसके कारण इसका वेट भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। ऐसे थोड़ी सी बड़ी वॉच है तो शायद छोटे हाथों पे इतनी ज्यादा अच्छी ना लगे। यहाँ पे दोनों में ही सिंगल बटन मिल जाते हैं। नॉइस आपको दे रहा है फ्लैट बटन, यहाँ पे मिलता है राउंड बटन अल्ट्रॉन में। एंड अल्ट्रॉन का ये जो राउंड बटन है ये घूमता है, ऐसे एक छोटा सा क्राउन का काम करता है। वॉच फेस चेंज कर सकते हो, यूआई के बीच में स्क्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे फायरबोल्ट अल्ट्रॉन में स्ट्रैप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एंड नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में आप 22mm का कोई भी स्ट्रैप लगा सकते हो। नई वॉचेस मिलती है आपको 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट, मतलब 30 मीटर पानी के अंदर जा सकते हो। दोनों के डिस्प्ले एकदम अप्रतिम, यस एकदम मस्त। अल्ट्रॉन में आपको मिलेगा 1.2 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, 390x390 का रेजोल्यूशन मिलेगा अल्ट्रॉन में, 1.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में। यहाँ पे आपको मिलेगा 368x448, क्योंकि ये बड़ा डिस्प्ले है इसलिए इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। बट दोनों ही डिस्प्ले बहुत ज्यादा शार्प है, एकदम दोनों की त्वचा के ऊपर एक ग्लो आता है जिसको बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एंड वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों का ही काफी सही है। दोनों वॉचेस में आपको दो टाइप के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलते हैं, एक आपका एनालॉग रहेगा, एक आपका डिजिटल रहेगा। बट ज्यादा ब्राइट मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखा ये नॉइस की इवॉल्व 2 का। ये से 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुई थी और इसका सबसे ज्यादा ब्राइट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यानी अल्ट्रॉन की रेंज की है। ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन बना दिया है, देखना है ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। भाई नॉइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी आप शेड्यूल कर सकते हो। मैंने रख दिया सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक। रात के 10 बजे के बाद AOD बंद हो जाएगा। ये काफी सही चीज है, यहाँ पे अल्ट्रॉन में नहीं मिलती है। रेस 2 एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ नॉइज में वर्क करता है बट फायरबोल्ट में नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। भाई नॉइज ने यहाँ पे डिस्प्ले साइज बढ़ाया है जिसके कारण बेजल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए। इसको मैंने अपनी एप्पल वॉच सीरीज 6 से कंपेयर किया एंड द डिफरेंस वॉज हार्डली मिनिमल। ऊपर कोई फर्क नहीं, नीचे वाली बेजल में बहुत ही कम फर्क था। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे लगता है एक एज टू एज मिलता है। यहाँ पे बेजल्स है, थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है, इतनी ज्यादा कोई अनोइंग नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर मैं एज टू एज बात करूँ तो डेफिनेटली नॉइज ज्यादा लगती है। भाई मुझे दोनों ही वॉचेस के डिस्प्लेस बहुत ब्राइट लगे हैं, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। कलर एक्यूरेसी दोनों ही डिस्प्लेस की अच्छी है क्योंकि दोनों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के इतने पास है। अब बात किया जाए कुछ तकनीकी चीजों की। SpO2 दोनों ही वॉच इसका बहुत एक्यूरेट है। पल्स ऑक्सीमीटर से 1-2% का डिफरेंस आ रहा था। हार्ट रेट 1-2% का डिफरेंस ऑन नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2। फायरबोल्ट अल्ट्रॉन में 0-1%। यस यहाँ मुझे थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा दिखी। अल्ट्रा 2 में आपको 24 आवर हार्ट रेट भी मिल जाता है, ये काफी सही चीज है। स्लीप मॉनिटरिंग दोनों ही वॉचेस की बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेट मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पे भरोसा नहीं करना। एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कोई भी वॉचेस का भी फिलहाल इतना अच्छा नहीं है, तो किसी पे भी आप भरोसा या रिलाय मत करना। दोनों ही वॉचेस के ऊपर आपको 5 वॉच फेस मिल जाते हैं। इनके रिस्पेक्टिव ऐप से आपको बहुत सारे वॉच फेस मिलेंगे एंड यस दोनों में आप कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं UI की। दोनों ही वॉचेस काफी स्मूथ है बट मुझे थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ लगी अल्ट्रॉन। यस यहाँ पे मुझे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या राइट लेफ्ट वाले स्वाइप थोड़े से ज्यादा स्मूथ लगे। ये अल्ट्रा 2 भी काफी स्मूथ है बट हल्का फुल्का है, सिर्फ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में मुझे हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप जैसा कुछ दिखा या हल्के फुल्के जिटर्स दिखे। बाकी दोनों के ही UI काफी स्मूथ है, काफी डिटेल्ड है। यस अल्ट्रा 2 में काफी सारे अलग अलग फीचर है, जैसे एक स्टॉक मार्केट अपडेट देख सकते हो, दूसरा वर्ल्ड क्लॉक है, तीसरा क्विक रिप्लाई वाला फीचर है। क्विक रिप्लाई बहुत काम का फीचर है अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, iOS के साथ वो चीज नहीं चलेगी। एंड भाई स्पोर्ट्स मोड्स, 60 स्पोर्ट्स मोड्स 60 ऑन अल्ट्रा 2, 15-15-15 ऑन अल्ट्रॉन। यस देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड आपको वो दिखेगा, हर चीज का वर्कआउट आपको अल्ट्रा 2 में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके रिस्पेक्टिव एप्स की। यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइस फिट का ऐप, यहाँ पे आपको मिलेगा डाफिट का ऐप। दोनों ऐप एकदम डिटेल्ड स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरीज, SpO2, हार्ट रेट सब डेटा बता देंगे एंड आपको आपके वर्कआउट का डेटा मिल जाएगा। वॉच से रिलेटेड सेटिंग्स बहुत सारी आपको नॉइस के ऐप में मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग ऑलरेडी वॉच के ऊपर दे दी गई है। फायरबोल्ट की वॉच में आपको 2 गेम भी मिलते हैं। भाई थोड़ा सा टाइम पास करना हो तो गेम खेल सकते हो। फाइनली बैटरी लाइफ, फायरबोल्ट आपको देती है ऑलमोस्ट 4 डेज की बैटरी लाइफ
विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्योंकि फायरबोल्ट ज्यादा थिक है, थोड़ी सी ज्यादा जाड़ी लगी मुझे कंपेयर टू अल्ट्रा 2, एंड अल्ट्रा 2 मुझे मिल रहे थे 2.5 डेज के आसपास। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, एक यहाँ पे रेस 2 एक ऑलवेज ऑन के साथ काम नहीं करता है, एंड दूसरा 24 आवर हार्ट रेट नहीं है। ये वॉच में मेरा दोनों चीजें ऑन थी, रेस 2 एक एंड 24 आवर हार्ट रेट, एंड उसमें मुझे यहाँ पे मिली है 2.5 दिन की बैटरी लाइफ। अगर मैं वो ऑप्शन बंद कर दूं तो मुझे यहाँ पे 3.5-4 दिन की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। फाइनली आते हैं वर्डिक्ट पे, आपको क्या लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 500 रुपए ज्यादा डाल के आप अल्ट्रा 2 ले लो, बट यहाँ पे भी अगर आपका एक बड़ा हाथ है तो आपके लायक की वॉच है, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो शायद आपके हाथों पे इतनी ज्यादा अच्छी ना लगे वॉच। बाकी दोनों ही वॉचेस में कोई कमी नहीं है, बस थोड़े बहुत स्पोर्ट्स मोड ज्यादा है, क्विक रिप्लाई वाला फीचर यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी वॉच मिल जाती है जो छोटे हाथों पर भी अच्छी लगी, बड़े हाथों पर भी मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी। एंड राउंड डायल एंड स्क्वायर डायल वाला प्रेफरेंस तो आपका हो सकता है कि आपको क्या चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही वॉचेस काफी अच्छी है प्राइस के हिसाब से, एंड अगर आपको इन दोनों में से कोई भी बाय करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।